हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने एक स्केचअप की ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक के लिए क्या है कि मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल को मान लो मैंने, कोई भी मेरे पास रेक्टेंगल है और इसको मैंने पुश पुल किया कुछ ऐसे, और इसके इस फेस को सिलेक्ट करके मैंने स्केल कर दिया शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्रेस करके कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली मेरे पास अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी मैं कर लेता हूं एक कॉपी। अब क्या है कि मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसके किसी भी फेस को, मान लो इस वाले फेस को मैं पुश करता हूँ, पुश पुल करता हूं, तो आप देखोगे यहाँ पे एक अलग से न्यू फेस पुश हो रहा है कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अलग से न्यू फेस है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके करोगे तो एक न्यू पार्ट यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से। बट मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से ना आके इसी को आपका बिना विदाउट एनी एजेस यहाँ पे ऐड किए इसी चीज को मैं एक्सट्रूड कर दूं, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप पुश पुल यूज करो तो अल्ट प्रेस करके आप इसे पुश करें, तो आप देखोगे वो उस पार्ट को पुश नहीं करेगा, वो उस पार्ट को इस तरीके से क्रिएट कर देगा। इस साइज को बड़ा कर सकते हो, ये समझ सकते हो कि इससे आपका साइज बड़ा हो गया, या फिर इसमें उस फेस को उठा के थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि ये वाली शेप आपकी आ गई। एक तो तरीका है इसका ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है कि फेस को सिलेक्ट करो और मूव कमांड लेके आप फेस को आप ब्लू एक्सिस की तरफ मूव कर दो, तो आप इसकी हेल्प से भी ये वाली शेप को ले सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो। कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आपको उस तरीके से यूज करना है, तो आप ये वाली चीजें आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।